हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर मैथ से हमारा रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स जल्दी से बता दीजिए ना, एक दो दिन बचा है एग्ज़ाम में, 2 से 4 दिन हमारे पास है सर, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दे दीजिए। तो आप लोगों का कमेंट को देखते हुए मैं मैथ से आज आपका जो चैप्टर मैंने सेलेक्ट किया है वो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं SI या फिर CI। CI एक अलग चीज़ है, SI एक अलग चीज़ है। कम्प्लीटली हम लोग आज देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट ट्रिक के साथ। और मैं आपको ये आज कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी इस टॉपिक पे अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बताइएगा। बस आप थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझे, मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ कंसेप्ट, कुछ फार्मूलाज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एकदम क्लियरली समझिए, एकदम ईजी लैंग्वेज में मुझे जो आपको बताना है मैं पहले वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा जो हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारा जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्याज, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है हमारा जिसको हम लोग ब्याज बोलते हैं, ये दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एक कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट और एक कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बहुत डेंजरस होता है, और सिंपल इंटरेस्ट जो है ये बहुत सिंपल होता है। मेरे कहने का इतना सा बस मतलब है, सिंपल इंटरेस्ट को बोला जाता है, हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को कहते हैं साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट को कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। देखिए मेरे कहने का इतना सा मतलब है कि साधारण ब्याज जो होता है दोस्तों, साधारण ब्याज जो होता है ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ, मैंने अपने एक दोस्त को 500 रुपये उधार दिए, 500 रुपये, लेकिन वो दोस्त जो है मुझे उस पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं है, मैं उसे फ्री में नहीं देना चाहता हूँ। मैंने उनसे क्या कहा कि भाई मैं तुझे 500 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, मान लेते हैं 5% पर एनम के हिसाब से। मैंने 500 रुपये अपने एक दोस्त को दिया जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, मूलधन। जितना पैसा मैंने उसको कर्ज दिया था वो है हमारा प्रिंसिपल, मूलधन है वो, ठीक है, याद रहेगा। तो वो मूलधन है, और रेट यहाँ पे R हम लोग इंडिकेट करते हैं, आप देख सकते हैं R से होता है रेट। तो रेट मेरा है 5%, 5% रेट है, और ये जो रेट है ये पर एनम का है, मतलब प्रति वर्ष, PA का मतलब होता है पर एनम, हर साल 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे हमको वो मुझको देगा रिटर्न, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने उसको पैसा दिया 500 रुपये, रेट है हमारा 5%, और मैंने उसको क्या बोला कि भाई मुझे तुम कितने टाइम में रिटर्न कर देना। मैंने उसे कहा कि टाइम मैं तुम्हें दे रहा हूँ 2 साल का, 2 ईयर्स का मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, 2 साल में तुम मेरा पैसा जो है रिटर्न कर दो मुझे सिंपली। तो उसका प्रिंसिपल जो हमारा था 500 था, रेट है हमारा 5%, टाइम मैंने दिया उसको 2 साल। अब आपको ये बताना है कि वो मुझे 2 साल के बाद कितना पैसा रिटर्न करेगा, ब्याज कितना रिटर्न करेगा, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है हमें प्रिंसिपल की तो लौटाएगा ही, लेकिन उसके साथ तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देगा ना वो, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज। कैसे निकालते हैं वो चीज़ें समझिए, इसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए सिंपल दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फार्मूला होता है ये आप लोगों को पता भी होगा, ये होता है हमारा PRT, प्रिंसिपल रेट P × R × T/100, ठीक है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल हमारा क्वेश्चन के हिसाब से था 500 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा था 5%, टाइम मेरा था 2 साल, और नीचे में हम लोग यहाँ पे 5% था इसलिए परसेंट के लिए नीचे 100 लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये दो ज़ीरो कैंसिल हो गया, ऊपर में अभी हमारे पास क्या क्या बचा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा बचा है 5, 5, 2, 5, 5 और 2, तो कितना हो जाएगा, 5, 5 = 25, और 25 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये 50। तो 50 रुपीज़ जो है हमारा ये क्या निकल कर आया, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 50 रुपये वो हमें ब्याज देगा, और अगर टोटल अमाउंट अगर मैं पूछूं आपसे कितना देगा, मिश्रधन कितना है, मिश्रधन में हम लोग जितना वो प्रिंसिपल देगा हमारा और जितना वो इंटरेस्ट दे रहा है दोनों को जोड़ दीजिए तो मिश्रधन निकल जाएगा।
तो अमाउंट अगर मैं आपसे पूछूं, अमाउंट को हिंदी में मिश्रधन बोलते हैं, तो 500 रुपये तो वो लौटाएगा ही लौटाएगा, क्योंकि वो तो मेरा मूलधन था, लेकिन साथ ही साथ वो 50 रुपये और मुझे देगा ब्याज के तौर पे। तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे कि 550 रुपये मेरा दोस्त मुझको रिटर्न करने वाला है। तो आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा और कुछ चीज़ों को समझते हैं। देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, कभी भी अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना हो तो एक फार्मूला चलता है P into R into T upon 100, ठीक है, इतना ये फार्मूला चलता है। लेकिन इसी फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग, देखिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कहीं आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाएं, इनटू 100, ठीक है। लेकिन अगर इसी फार्मूला में अगर मैं आपसे पूछ लूँ रेट निकालना है, तो रेट का फार्मूला क्या होगा यहाँ से, तो रेट के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और इसको, तो हो जाएगा 100 into SI, नीचे में यहाँ पर लिखेंगे P into T। देखिए रेट निकालने का ये फार्मूला हो जाएगा, मतलब कहने का है इसी वाले फार्मूला से हम लोग इसको डिराइव कर रहे हैं, रेट निकल गया। रेट से ही अब आप दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं, अगर आपको टाइम निकालना है, मान लीजिए अगर आपको टाइम निकालना है तो टी निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, आप बोलेंगे 100 into SI अपोन यहाँ पे क्या बचा, पी बचा और आर बचा। तो इस फार्मूला से आपका टाइम निकल के आ गया है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या निकल गया, टाइम निकल गया। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो ये हमारा टाइम निकल गया, देखिए थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए तो SI पहले हमने देखा PRT by 100, SI R निकल गया, T निकल गया, और P कैसे निकलेगा, सिंपली यही फार्मूला यूज़ करेंगे, P = SI into 100 या 100 into SI, बात तो एक ही है। और यहाँ पे नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, T into R, ठीक है ना। तो ये तीन फार्मूला आप देख सकते हैं, इसलिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन फार्मूला आप देख लिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं, याद रखिएगा, थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं, याद रखिएगा दोस्तों। कभी भी अभी मान लीजिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए, बोला है फाइंड द, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ मनी 1000 या 10000, मान लेते 10,000 रुपीज़ के लिए हमको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, जहाँ पे रेट है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, रेट है आपके पास 5% और टाइम आपको दिया है, टाइम कितना दिया है आपको, दिया है मान लीजिए 3 ईयर्स, आपको टाइम दिया है 3 ईयर्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, यहाँ रख देते हैं, हाँ ठीक है। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ सिंपली कि आपको तो निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, PRT into 100, पी कितना है हमारा 10,000 है, पी हो गया, आर कितना है 5% है, टी कितना है तीन साल, और नीचे में 100, तो ये दो जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा ये 100, 5 और 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 5 जा 500 और 500, 3 जा कितना होता है 1500, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और अगर आपसे पूछ ले अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट ये SI में 10,000 हमारा क्या था, 10,000 रुपये हमारा गया था, जब हमारा, आप समझ सकते हैं कि जब 10,000 रुपये सिंपली, जब 10,000 हमारा सिंपल प्रिंसिपल था, हाँ, और 1500 रुपये हमारा जो है वो इंटरेस्ट है। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन में ये फील दे रहा था अभी, अब थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन सिंपली अगर आपको कभी भी एग्ज़ाम में आता है तो इतना सिंपल नहीं देगा आपको, वो क्या बोलेगा कि इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, क्या हो रहा है, हाफ ईयरली बोलेगा, इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है, तब बताइए क्या करेंगे, हाफ ईयरली। और एक कंडीशन होता है क्वार्टरली, एक होता है क्वार्टरली, हाफ ईयरली का मतलब हो गया 6 महीना और क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीना, याद रखिएगा इस चीज़ों को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ छोटा कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। चलिए चलिए देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हाफ ईयरली का मतलब होता है
कोई भी काम जो 6 महीने में होता है, जो भी काम 6 महीने में होता है उसको बोलते हैं हाफ ईयरली, और एक होता है क्वार्टरली, ठीक है ना, क्वार्टरली। तो इसको बोलते हैं त्रिमाही बोलते हैं, मतलब कि 3 महीने में जो चीज़ होता है 3 महीने में होने वाला। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में अगर आपका टाइम जो है मान लीजिए हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक बात को समझिए हमेशा के लिए याद रखिएगा, ऐसे सिचुएशन में याद रखिएगा कि अगर हाफ ईयरली बोला है, अगर हाफ ईयरली बोला है तो हाफ ईयरली के कंडीशन में टाइम जो है हमारा टाइम 6 महीना अगर बोला है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेट जो है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। रेट को क्या करेंगे, रेट मान लीजिए 6 महीना था तो उसको डबल कर देंगे, और रेट अगर मान लीजिए 10% बोला है तो उसको डिवाइड करके हम कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा 5%। मतलब कहने का फिर से समझ लीजिएगा, मेरा कहने का इतना सा मतलब है कि अगर कभी कंडीशन है हाफ ईयरली के लिए तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। दोस्तों मैंने आपको 2 सिचुएशन दे दिया, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, रेट को 2 से डिवाइड, हाफ ईयरली बोलेगा तब। लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें आपको क्वार्टरली बोल दिया, जिसमें आपको क्वार्टरली बोल दे, ठीक है, क्वार्टरली बोल दे, तो क्या करेंगे इस कंडीशन के लिए आप टाइम को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा जो रेट है रेट को डिवाइड कर देंगे कितना से, 4 से, मतलब टाइम को 4 से गुना कर देंगे। 3 महीना बोला है तो 4 से गुना कर देंगे तो 1 साल बन जाएगा, 12 महीना बन जाएगा, इसीलिए हम 4 से गुना कर रहे हैं, और रेट कर आधा 3 बार में हमारा 4 3। दोस्तों ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, जब क्वार्टरली बोले तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे, हाफ ईयरली में टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 6 दुनी 12 होता है, 6 महीना हाफ ईयरली तो 6 टाइम को 2 से गुना और रेट को 4 से 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये कंडीशन अगर आप समझ गए तो आइए देखते हैं, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये बहुत डेंजर होता है, ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको 8th वंडर बोला था, मतलब दुनिया का 8वां अजूबा। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये, मान लीजिए एक जॉब आपको एक ऑफ़र दिया जाता है कि पहला दिन आपको एक जॉब में 1 पैसा दिया जाएगा, ठीक है, एक दिन पहला दिन में आपको 1 पैसा दिया जाएगा, दूसरा दिन आपको उसका डबल दिया जाएगा 2 पैसा, तीसरे दिन को आपको 3 पैसा दिया जाएगा, चौथा दिन में आपको 6 पैसा दिया जाएगा, और इस तरह से 30 दिन मान लीजिए आप जब काम करते हैं तो 30 दिन में आपको कितना पैसा मिलेगा, आप इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा अपने से, ठीक है। और एक कंपनी आपको क्या ऑफ़र देती है कि 50,000 आपको पर मंथ दिया जाएगा, और दूसरा कंपनी आपको ऑफ़र देती है ये जो मैंने आपको बोला है, पहला दिन 1 पैसा, अगले दिन डबल डबल डबल। ये चीज़ें आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो करोड़ों में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखने में लगता है कि एक दिन पहला दिन 1 पैसा, 2 दिन दूसरा दिन 2 पैसा, 4 पैसा, 8 पैसा, लेकिन बहुत डेंजर चीज़ है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 पैसा नहीं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब टॉपिक पे आइए, टॉपिक है, टॉपिक हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। इस पर क्या होता है, जैसे आपको बैंक ब्याज देता है तो चक्रवृद्धि ब्याज बैंक देती है। मान लीजिए आप 1,000 रुपया आपने बैंक में जमा कर दिया है, ठीक है, बैंक आपको मान लेते हैं 5% क्या बोली ब्याज दिया जाएगा, तो एक अगर आप देखें 1,000 का 5% तो कितना हो जाता है, 1,000 का 5% हो जाएगा आपका कितना, 50, ठीक है ना, यहाँ से 2 0 ये कट कैंसिल हो गया तो 50 रुपीज़। तो 1 महीना में मान लीजिए आपको ब्याज कितना मिलता है, या 1 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, 1,000 पे 50 रुपया मिलेगा। तो अगला साल 1,050 पे फिर 5% दिया जाएगा, ये कंडीशन है, चक्रवृद्धि ब्याज इसी को बोला जाता है। अगला साल फिर इस पे 5% दिया जाएगा, 1,000 पे फिर 5% दिया जाएगा। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ क्लियर। देखिए मेरे कहने का इतना सा मतलब है, अगर आपको 1,000 रुपया पे अगर बैंक कह रही है कि मैं 1 साल में आपको 5% का ब्याज दूंगा, तो कहने का ये मतलब है कि 50 रुपया ब्याज दे रही है, तो आपने 1,000 रुपया जमा किया था बैंक में, तो अब अगला साल आपको कितना आपका पैसा बन गया बैंक में, 1,050 रुपया। अब फिर से अगला साल वो आपको 5% का ब्याज देगी 1,050 के ऊपर,
तो क्या हो रहा है कि हर साल जो ब्याज निकल रहा है वो प्रिंसिपल में जुट जा रहा है, तो ये बन गया 1050, फिर इसका 5%, फिर अगला साल उसका मतलब इसमें वो आपका ब्याज को जोड़ देंगे तो वो अगला साल क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कंडीशन चलता है, तो बैंक याद रखिएगा हमेशा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देती है। सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल है, हर साल ब्याज का रेट, हर साल ब्याज सेम रहेगा। मान लीजिए एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, सिंपल क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए मेरा है अमाउंट 2000 रुपया, ठीक है, 2000 रुपया, इस पर 2 साल के लिए ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट देखिए इसको थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ, मैं इसको ज़रा सा डिलीट कर लेता हूँ, देख लीजिए, एक क्वेश्चन मैं नया क्वेश्चन दे रहा हूँ फ्रेश। मैं आपसे कहता हूँ कि हमारा प्रिंसिपल है 2000 रुपये, ठीक है, प्रिंसिपल है 2000 रुपया, रेट है हमारा मान लीजिए 5% का रेट है, कुछ भी मान लीजिए 5, 10, 15, और टाइम मैंने आपको दिया है 2 ईयर्स। आपको एक बार इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और एक बार आपको SI निकालना है। आप देखिए कौन सा ज़्यादा होता है, SI या CI, आपको क्या लगता है आप ज़रा बताइए। हाँ, तो जो लोग भी सोच रहे हैं CI ज़्यादा होगा वो सही है, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दोनों साल सेम निकलेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए 2000 का 5% है रेट और 2 साल के लिए करना है, तो एक बार हम करके देखते हैं। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इसका, तो SI निकालने का जो फार्मूला मैंने आपको बोला था वो होता है PRT बाय 100, ये होता है ना, तो PRT निकालिए, प्रिंसिपल है हमारा 2000 रुपये, रेट हमारा 5% है, और टाइम हमने दिया है, लिया है क्वेश्चन के हिसाब से 2 साल, नीचे में 100, तो ये दो जो कट गया, तो ऊपर बचा है 20 और 5 to 10, तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा ये हमारा हो गया 200, ठीक है ना, 200 जा रहा है, 200 रुपया हमारा क्या निकल के आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया 2 साल के लिए। अब इसी चीज़ को हम एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में इसी का वैल्यू कितना आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बार फार्मूला देख लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है CI, जिसको हम लोग बोलते हैं। पहले तो इसके लिए हमको अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो ऐसे लिख लीजिए, अमाउंट जो होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 plus R upon 100 का यहाँ पे पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। चलिए अब ज़रा देखते हैं, प्रिंसिपल तो क्वेश्चन में दे रखा था 2000, और यहाँ पे 1 plus रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5 था, नीचे में 100 लिखते हैं, और नंबर ऑफ ईयर्स 2 साल का था, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 2000, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है, ऐसे रख लेते हैं। चलिए तो 2000 हो गया, अब इसको सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना बताइए ज़रा, 100 हो जाएगा, तो ये जो इसको करेंगे तो 100, और यहाँ पे हो जाएगा 5, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम अगर इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2000 × 105/100, और ये कितना बार लिखना है, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, तो लिख लीजिए 105/100, ठीक है। चलिए तो यहाँ से 2 जीरो और ये 2 जीरो तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 1 जीरो और ये 1 जीरो तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 2 1s are 2 और यहाँ पे 2 5s are 10 होता है, ठीक है, फिर 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5, ठीक है। क्या क्या बचा है, 105 और 21 बचा है, ठीक है, याद रखिएगा 105 और 21 बचा है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 105 and 21, ठीक है, तो 21, अब इसको मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाता है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम कर लेते हैं, चलिए 105 और 21, तो ये हो जाएगा 501 और यहाँ हो जाएगा 012, तो कितना हो जा रहा है ज़रा देख लीजिए, इसको अब हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5022, इतना हो जा रहा है 22205 हो जा रहा है। तो उसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा मूलधन था वो तो था, ये तो हमारा अमाउंट का आंसर आया है ना, ये हमारा अमाउंट आया है 2205 रुपये, लेकिन हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो CI निकालने के लिए अमाउंट से हम लोग प्रिंसिपल घटा देते हैं, तो 2205 से हम 2000 प्रिंसिपल घटा देते हैं, तो कितना आ रहा है, तो 205 रुपये आ रहा है, ठीक है, 205 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। CI कितना आया, 205, और SI क्या आया था याद है अगर आपको, तो SI हमारा 200 आया था,
तो देखिए 5 रुपये हमारा CI में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमेशा ऐसा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा क्योंकि बेसिक चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। अब मैं आपसे एक फार्मूला याद करने के लिए बोलता हूँ, फार्मूला नहीं है, एक चीज़ देखिए याद रखिएगा, जीवन में कभी भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए याद रखिएगा, अगर दोस्तों आपका टाइम बोला है 2 साल, टाइम अगर दो साल बोला है तो आपको एक रेशियो याद करना है 2:1। अगर टाइम बोला है 3 ईयर्स तो आपको याद रखना है 3:1। अगर आपको 4 बोला है तो याद रखिएगा 4:6:4:1। ये एक रेशियो आपको याद रखना है। तो अब एक 4 साल के लिए अगर देखना है तो ये रेशियो हो जाएगा। और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ अगर 5 के लिए करना है तो आप लिखेंगे 5:10:10:5 और कितना हो जाएगा 1, ठीक है। कैसे याद करना है मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसको याद कैसे करना है। याद रखिएगा अगर आपको 2 साल के लिए बोला है, अगर आपको मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ 2 साल के लिए तो पहला तो एक डिजिट यहाँ पे 2 होगा ही होगा और पीछे में 1 होना ही होना है। 3 साल के लिए अगर बोले तो यहाँ 1-3 तो होगा ही, पीछे 1-1 होगा ही। अगर 4 साल के लिए बोला तो यहाँ तो 4 होगा ही, पीछे 1 होगा ही। 5 के लिए बोला तो यहाँ तो 5 होगा ही और यहाँ 1 होगा ही। इतना क्लियर है, सबको क्लियर है। अच्छा अब कैसे करना है सर, बहुत लंबा रेशियो लग रहा है। नहीं देखिए, पहला आप याद कर लीजिए कि 2 का जो है, पहला आप याद रख लीजिए कि 2 का अगर है 2:1 तो 3 के लिए हम पहले तो 3 लिखना ही पड़ेगा हमको, पहला तो 3 हमें लिखना ही पड़ेगा ना, पहला का तीन लिख दिया हम लोग। चलिए अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, पीछे 1 लिखना है। 4 का तो पहला तो 4 होगा ही, इन दोनों को जोड़िए 3 और 3 6, फिर 3 और 1 4 और 1 तो होगा ही। 5 के लिए बोला तो पहला 5 होगा, इन दोनों को जोड़िए 6 4 10, फिर 6 4 10 और 4 और 1 5 और पीछे का 1 होगा। तो 6 साल के लिए आप ऐसे निकालेंगे, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए ऐसे निकलेगा, ठीक है। ठीक है आप समझ गए। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कभी एक क्वेश्चन दिया है कि हमारा प्रिंसिपल है मान लीजिए 12,000 रुपये, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर वो 10% है तो 3 साल के लिए, या 2 साल पहले ले लेते हैं, टाइम है 2 ईयर्स, टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर्स दे रखा है, तो बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, CI बताइए क्या होगा। देखिए सिंपली आप 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, 12,000 प्रिंसिपल है, रेट है 10%, टाइम है 2 साल, CI निकालना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैंने आपको एक फार्मूला दिया है 2 साल के लिए, जो रेशियो होता है वो होता है कितना, 2:1 होता है, याद रखिएगा हमेशा। तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, मैं जो अभी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, देखिए आपको याद क्या करना है, प्रिंसिपल जैसे आपके पास है 12,000 रुपये, तो 2 साल के लिए बोला है ना, यहाँ 2 लिख लीजिए, तो 12,000 का आप क्या करिए, 10% पहले निकाल लीजिए। तो 12,000 का 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, तो 2020 कट गया तो ये हो जाएगा 1200 रुपये, तो कितना आ गया 1200 रुपये। और कभी भी किसी भी नंबर का 10% बोला है तो उससे 1 0 काट दीजिए तो हो जाएगा आपका 10%, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, अगर मैं आपसे पूछूँ कि 12,000 के लिए 10% कितना आया, 1 आ गया 1200, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या था, 2:1, अगर 2 साल बोला है तो रेशियो है 2:1, तो पहला के लिए हम लोगों ने निकाला तो 1200 आया। फिर हम क्या करेंगे, अब इस 1200 का, ये जो 1200 हमारा आया है इसका फिर हम लोग 10% निकालेंगे, तो इस बार कितना हो जाएगा, ये 2020 कैंसिल, 12 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 120, ठीक है 120 आ जाएगा ना। चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ये रफ में आप करेंगे 120, तो पहला आया था 1200 और दूसरे के लिए आया है कितना 120। अब यहाँ पे हमारा रेशियो क्या था, 2:1, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। अब इसको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, कैसे देखिए 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400, और यहाँ पे प्लस लिखिए, 1 को 120 से करेंगे तो वही हो जाएगा, दोनों को जब जोड़ देंगे तो 2400 और 125 और ये हो जाएगा 2520। याद रखिएगा ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका क्या आया, आंसर आया 2520 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। फिर एक एग्जांपल को समझते हैं, आपको नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है
क्योंकि नया चीज़ मैं बता रहा हूँ। चलिए मान लीजिए इस बार मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मेरा रेट प्रिंसिपल जो है वो 15,000 रुपये का है। प्रिंसिपल कितना है? 15,000 रुपये का है। रेट मेरा जो दिया है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में रेट दिया है 10%, और जो टाइम जो दे रखा है, ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ साफ साफ, रेट जो है हमारा वो है 10%, और हमारा जो है टाइम जो दोस्त दिया है 3 ईयर्स का दे रखा है, 3 ईयर्स का। तो बस आप क्या करना है, बस बता देखिए, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, रेट प्रिंसिपल है 15,000, रेट है 10%। तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे आप लिख लीजिए रेशियो। 3 साल के लिए क्या रेशियो था ज़रा बोलिए, 3 साल के लिए रेशियो क्या था? 3 साल के लिए रेशियो था 3:3:1 का। अगर क्योंकि 2:1 था पहले 2 साल के लिए, तो पहला 3 हो गया, दूसरा को जोड़ेंगे 2:1 को 3, और लास्ट में 1 होता है, ठीक है ना। अब देखिए, तो आपको प्रिंसिपल कितना दिया है प्रश्न में, यहाँ पे आपको मैंने दिखाया ना, तो यहाँ पे कितना दिया था? 15,000 दिया था। तो 15,000 का रेट कितना दिया है? 10%। तो 15,000 का पहले 10% निकालेंगे, तो 15,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। फिर 1500 का 10% निकालिए, 1500 का 10% कितना हो जाता है? 150 हो जाता है, ठीक है ना। फिर 150 का 10% निकालिए, तो 150 का जब आप 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ये तो अलग चीज़ हो गया, आप 1500 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4500, 4500 प्लस ये हो जाएगा 1500 + 45, ये हो गया 450, और 1.5 को 1 से करेंगे तो 1.5। अब फाइनल स्टेप हमारा क्या है? जोड़ना है। जोड़ना कैसे? 4500 में 450 जोड़ दीजिए तो हो गया ये 4950, 4950 दशमलव, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 51.5। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हम लोग समझेंगे। जैसे मैं आपसे इस बार कह रहा हूँ, मान लेता हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा इस बार प्रिंसिपल कितना है? 20,000 रुपये का प्रिंसिपल है, ठीक है, 20,000 रुपये का प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, मान लेते हैं 12% है पर एनम का, और टाइम हम इस बार हमारा कितना दे रखा है? 4 ईयर्स का दे रखा है, ठीक है, 4 ईयर्स का टाइम दे रखा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा देखिए, आपको क्या करना है, 4 ईयर्स दे रखा है, तो 4 ईयर्स के लिए रेशियो क्या होता है 4 ईयर्स के लिए? हाँ, पहला 4 होगा, फिर जैसे आपको 3 का याद रख लीजिए, 3:3:1 था, तो पहला तो 4 होगा, 3:3:6 हो जाएगा, फिर 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, इस तरह से रेफरेंस के लिए आप याद कर लीजिए, और यहाँ पे फाइनली हमारा जो 1 है लास्ट का 1 हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कितना प्रिंसिपल दिया है? तो क्वेश्चन में 20,000 दिया था, तो उस हिसाब से हम लोग 20,000 का रेट कितना है? 12% है, ठीक है। तो 12% है तो कोई दिक्कत नहीं है, सहूलियत के लिए आप याद कर लीजिए, 12 के निकालिए, तो 20,000 का जो 12% है तो वो कितना हो जाएगा? 2400 रुपये। फिर 2400 का 12% निकालेंगे, तो 2400 का जब 12% निकालेंगे तो देखिए कितना होता है, 2400 का आप निकालिए, 2400 का 12%, तो 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 8, और यहाँ 4, ये हो जाएगा 288 हो जाएगा, ठीक है ना। 2400 का मतलब हम 12% निकालेंगे, 288 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसके नीचे 6 के नीचे 288, फिर 288 का हम लोग निकालेंगे कितना? 12%। 288 का फिर 12% निकालिए, ठीक है, तो जितना भी आएगा फाइनली इसके लिए लिखिए, फिर उसका निकालिएगा, इसका निकलेगा, फिर सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, आपको सिंपली निकल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा रेट नहीं देगा 12%, अगर देता भी तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो सिंपली आपने देखा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार और बता देता हूँ, अगर 2 साल के लिए बोला तो 2:1 हो जाएगा, 3 साल के लिए बोला तो 3 पहला लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा कितना? 3, और लास्ट में 1 होगा। 4 साल के लिए बोला तो 4 लिख दीजिए, इन दोनों को जोड़िए 6 हो गया, फिर इन दोनों को जोड़िए तो 4 हो गया, 1 लिख दीजिए, और इस तरह से रेशियो आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चिल्ड्रेन टेक केयर एंड गुड बाय, जय हिंद।